ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था 15 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे, 15 से लेकर 30 तक, और उसके पहले वीडियो में हमने बताया था 1 से लेकर के 15 तक। ठीक है, आज हम बताएंगे 31 से लेकर 48 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 31, आज का पहला प्रश्न हमारा 31। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए पढ़िए स्क्रीन पर आपका। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में, ठीक, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, शेष कार्य 4 दिन में। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे पहले हम मान लेंगे M1 मान लेंगे 12, M1 12, काम करने की संख्या कितना है, काम करने वालों की संख्या 8। दिन D1 हो गया कितना को 8 माइनस, 8 माइनस क्यों, क्योंकि 3 दिन बाद मालूम चला, 3 दिन बाद, इसलिए M1 आदमी 12 आदमी कितना दिन काम किया, 5 दिन, कितना 8 माइनस 3 कितना दिन काम किया, 5 दिन। अब देखिए इसके बाद M2 क्या हो जाएगा, M2, ठीक है, M2 क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, कितने आदमी और बढ़ाया जाए कि काम 4 दिनों पर हो जाए। तो 12 आदमी पहले से काम कर रहा और आदमी बुलाना है, तो कितना आदमी बुला लिए, x बुला लिए, 12 प्लस x। अब D2 कितना है, काम हमको पूरा करना है 4 दिन में, कितना 4 दिन में। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 कितना है 12, D1 कितना है 5, M2 कितना है 12 प्लस x, D2 कितना है 4। सोल्व कीजिए, 4 से भाग कीजिए 12 में, 3 बार में, 5 या 15 बराबर 12 प्लस x, x कितना आ गया हमको 3, x आ गया 3 पुरुष और आ गया 30 आदमी, यहाँ पर क्या दिया 3 आदमी, ठीक है 3 आदमी और आ गए, यही आ गया हमारा आंसर, यही आ गया हमारा आंसर और कुछ नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, 3 पुरुष एक काम को 8 दिन में, देखिए 3 पुरुष, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, जबकि 5 महिला यही काम 18 दिन में, तो 4 पुरुष और 10 महिला कितने दिन में करेंगे, तो हम निकालेंगे क्या, 4 पुरुष की और 10 महिला का कार्य निकाल लेंगे पहले, ठीक है, 4 पुरुष कितना दिन में करेगा, देखिए 3 पुरुष कितना दिन में करता, 3 पुरुष करता है एक काम को 6 दिन में, 6 दिन में, तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा, एक पुरुष कितना दिन में करेगा, 6 गुना 3, ठीक है, पहले 3 पुरुष 6 दिन में कर रहे थे, तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा, 6 गुना 3 ज़्यादा दिन लग जाएगा, 18 दिन में, 18 दिन। अब देखिए, अब एक पुरुष का आ गया, हमको निकालना कितना, 4 पुरुष का, तो 4 पुरुष, पहले एक पुरुष 18 दिन में, अब 4 पुरुष कितना, तो 18 भागा 4, 18 भागा 4 कितना हो जाएगा, 9/2 दिन, कितना होगा, 9/2 दिन, यही आ जाएगा। अब आते हैं 6, अब महिला की निकालते हैं, 10 महिला की, ठीक, कितने दिन में, तो देखिए 5 महिला कितना दिन में, 5 महिला 18 दिन में, तो एक महिला का कितना कार्य हो जाएगा, एक महिला कितना दिन में करेगी, 18 गुना 5 कितना होगा, 90 दिन हो जाएगा, 90 दिन, और जरूरी कितना है 10 महिला के, ठीक है, एक महिला करती है 90 दिन में, तो 10 महिला कितना दिन में करेगी, 10 महिला करेगी 9 दिन में, 90 भागा 10 कितना हो जाएगा, 9 दिन, ठीक है। अब देखिए 4 पुरुष और 10 महिला का कितना आ गया, 4 पुरुष आ गया 9/2, 10 महिला का आ गया 9 दिन, तो क्या करेंगे हम, पहले जैसे सोल्व किए पहले वीडियो में वैसे ही सोल्व कीजिए और कुछ नहीं। देखिए 4 पुरुष का 9/2, 10 महिला का 9, पहले जैसे बताए हैं वैसे, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा था भाई, सॉरी, देखिए पहले जैसे बताए हैं वैसे क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है,
इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 9/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/2, एलसीएम जाएगा 9/2, इतना सा भाग कीजिए कितना जाएगा 1, इतना से इसमें भाग कीजिए कितना जाएगा 1/2, 1/2, दोनों को जोड़ दीजिए कितना जाएगा 1 + 1 + 1/2, कितना जाएगा 9/2, यहाँ पर कितना 2 और 1 कितना 3/2, 2 से 2 खत्म और ये 3 से 9, 3/1 कर देगा, कितना बचा 3, कितना दिन में हुआ 3 दिन में, यही हो गया हमारा आंसर 3 दिन, क्या हो गया हमारा, यही हो गया आंसर और कुछ नहीं। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या बोलता है, 33, 4 लड़के 8 दिन में, 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में काम को पूरा कर सकती है, सबसे कम कार्य दक्ष क्या है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहले बात को समझिए, यदि एक एक जन का, सभी का एक एक जन का कार्य की क्षमता निकाल लेंगे, यानी कि एक लड़की कितने दिन में काम पूरा करती है, एक लड़का कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, सभी का निकाल लेते हैं, इससे हमको मालूम चल जाएगा कि कौन सबसे कम कार्य दक्ष है। तो एक दिन का निकालेंगे, देखिए एक दिन एक लड़की एक गर्ल, एक लड़की कितना दिन में काम पूरा करेगी, 8 दिन में पूरा करती है 4 मिलकर, तो एक कितना 8 × 4 = 32, कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32 दिन, एक लड़की 32 दिन में काम पूरा करेगी। इसी प्रकार लड़कों की निकाल लेते हैं, लड़कों की तो एक बॉय, एक बॉय कितना टाइम लेगा, 3 लड़के 9 दिन में करते हैं, तो एक लड़का कितना दिन में करेगा, 9 × 27 दिन, कितना 9 × 27 दिन। अब देखिए 7 पुरुष 2 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा, एक पुरुष कितना दिन में करेगा, 7 × 14 दिन में, 14 दिन में। अब देखिए 5 महिलाएं 4 दिन में, तो एक महिला कितना दिन में कार्य पूरा करेगी, सॉरी एक महिला कितने दिन में पूरा कार्य करेगी, 5 × 20 दिन में। अब देखिए यहाँ बात को समझिए, बात को समझिए, एक लड़की 32 दिन टाइम लेती है, ठीक है, एक लड़का 27 दिन, एक पुरुष 14 दिन, एक महिला 20 दिन, तो सबसे ज़्यादा कार्य कुशल कौन हुआ, सबसे ज़्यादा कार्य कुशल हुआ पुरुष, क्योंकि एक पुरुष 14 दिन में कार्य पूरा कर लेता है और लड़की लोग क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम कार्य कुशल कौन हो गई, लड़कियाँ, यही हो गया हमारा आंसर और कुछ नहीं, यही हो गया हमारा आंसर कि लड़की लोग सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह सबसे कम कार्य दक्ष है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, यदि इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 34 सो देखिए, 3 पुरुष 1 काम को 18 दिन में, 6 बच्चे 18 दिन में, 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमको करना क्या, पहले 4 पुरुष 4 बच्चे का काम निकाल लेंगे, ठीक है, 4 बच्चे और 4 पुरुष का कार्य निकालने कितने दिन में करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 पुरुष का कितना दिया हुआ 18, कितना दिया हुआ 18 दिन में करती है, तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा, 18 × 54, 18 × 3 कितना दिया 54 दिन, 54 दिन में, तो यहाँ पर क्या कितना की जरूरत है हमको, 4 पुरुष के, तो 4 पुरुष कितना करेगा, 18 × 54/4 कितना होगा 27/2, 4 पुरुष 27/2 दिन में कार्य पूरा करेगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों की संख्या, ठीक है, बच्चे 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 बच्चे पूरा करते हैं कार्य को 18 दिन में, कितना 18 दिन में, तो एक बच्चा कितना दिन में पूरा करेगा, 18 × 6 कितना हो जाएगा,
108 दिन, 108 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, चार बच्चों की चाहिए, तो चार बच्चे कितना दिन करेंगे, 108/4 कितना दिन लग जाएगा हमको, 27, ठीक है। 27 चौके 108 होता है, ठीक है, तो 27 दिन। अब देखिए, चार पुरुष का निकल गया, चार पुरुष और चार बच्चे का निकल गया, चार बच्चों का निकल गया कि कितना दिन में कार्य पूरा करते हैं। तो हम करेंगे क्या, पहले वाला जो तरीका बताए हैं वही तरीका लगा देना है। कैसे, देखिए 27/2 और 27 क्या करना था, दोनों को जोड़ देना, दोनों को क्या करना है, एलसीएम लेना है दोनों का। एलसीएम कितना देगा, 27/2, भाग कीजिए कितना देगा, 1, इससे भाग कीजिए कितना देगा, 1/2। अब क्या करना है, यहाँ पे भाग का भाग देना है और इन दोनों को जोड़ देना है। पहला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये 1 और ये 1/2, दोनों को जोड़ देना है, कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2 दोनों को जोड़ दिए एलसीएम लेकर के, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 ये कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। कितना है हमको, 9, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर, और कुछ नहीं, बन गया, कुछ नहीं करना इसके बाद, बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करेंगे। 35 देखिए, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में, उसी काम को 8 महिला 18 दिन में, 18 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष 12 महिला 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बच्चे कार्य को केवल पुरुष 1 दिन में पूरा करना चाहे तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए 6 पुरुष का दिया हुआ है, 8 महिला का दिया हुआ, 18 बच्चे का दिया हुआ, तो क्या करेंगे हम, 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चों का निकाल लेंगे। देखिए डायरेक्ट हम करते हैं, अब कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 4 पुरुष का दिया हुआ, 4 पुरुष की जरूरत है, 4 पुरुष को मालूम करना है कितने दिन में कार्य करेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे था 6 पुरुष 12 दिन में, क्या करेंगे, 6 गुने 12 एक पुरुष का कार्य हो गया। अब 4 से हम भाग कर देंगे, ये हो जाएगा हमको 4 पुरुष का कार्य, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गुना कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए 3 से, कितना आ गया, 18 दिन, 4 पुरुष 18 दिन में कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। 12 महिला के, तो कितना जगह दिया, 8 महिला 18 दिन में, 8 महिला 18 दिन में, तो 12 महिला कितना जगह, 8 × 18/12, तो कितना जगह यहाँ पे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जगह यहाँ पे, 6 से भाग कीजिए इसको, 6 × 12 = 36, 18 × 2 = 4 चार, कितना गया, 4 × 12 = 12 दिन में। इसी प्रकार निकाल लेंगे अब बच्चों द्वारा, ठीक है। कितना चाहिए, 20 बच्चों के द्वारा कार्य चाहिए, 20 बच्चों के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि 18 बच्चे 10 दिन में, 18 बच्चे 10 दिन में, तो 20 बच्चे, ठीक है। 0 से 0 काट लीजिए, 2 से काट लीजिए 9, कितना गया यहाँ पर, 9 दिन, कितना गया, 9 दिन आ गया। अब क्या करना है, पहले हम बता चुके हैं, पहले वाला मेथड लगाइए, इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम कितना, 18, 12, 9, कितना लगा एलसीएम, 180, एलसीएम आ गया 180, 18 से भाग दीजिए 180 में 10, 12 से भाग कीजिए 18 में 15, 9 से भाग कीजिए 180 में कितना जगह, 20। अब इन तीनों को जोड़ देना है, 10, 15, 20, कितना यार जोड़ेंगे तो 45, 45 से भाग कीजिए 180 में, कितना बार में कटेगा, 4 बार में, कितना है हमको, 4। अब ये तीनों मिल करके इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो 4 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, 2 दिन का कार्य चाहिए, 2 दिन में ही कार्य पूरा करते हैं। देखिए तो एक यहाँ पर देखिए, पूरा काम करते हैं 4 दिन में, पूरा काम 4 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4, 1 दिन का काम हो गया कितना, 1/4। तो हमको चाहिए 2 दिन का, 2 दिन का काम कितना होगा, 2/4, मतलब कि 1/2 काम। ये क्या है हमको, भाग है, 1/4 भाग और 1/4
दो भाग, दो दिन का काम कितना हो गया, एक बटे दो भाग। शेष काम कितना रह जाएगा हमको, शेष काम रह जाएगा कितना, पहले पूरा काम था एक, अब एक भाग कर एक बटे दो भाग पूरा हो गया, कितना बचा, वन बाय टू भाग, वन बाय टू भाग। काम किनके द्वारा करवाना है, पुरुष के द्वारा करवाना है। काम हमको किनके द्वारा करवाना है, पुरुष के द्वारा करवाना है। तो देखिए छः पुरुष करता है कितना दिन में, बारह दिन में, ठीक है। तो एम वन मान लीजिए यहाँ पर कितना, बारह, सॉरी छः, एम वन छः, डी वन, डी वन कितना देगा, बारह, ठीक है। अब यहाँ पर डब्ल्यू वन कितना था पहले, एक कार्य था, डी वन था पहले एक कार्य। अब लिखिए एम टू, एम टू को क्या करना है, ज्ञात करना है, एम टू ज्ञात करना है। डी टू, डी टू को क्या हो जाएगा, पहले बारह दिन में, लेकिन अब हमको एक ही दिन में काम करवाना है, एक ही दिन में हमको काम करवाना है। डी टू हो जाएगा वन बाई टू। अब डब्लू टू कार्य अब कितना बचा, वन बाई टू भाग, पहले एक एक भाग था पूरा, अब हो गया डब्लू टू वन बाई टू भाग। फॉर्मूला लगा देना है, एम वन डी वन बटे डब्लू वन बराबर एम टू डी टू बटे डब्लू टू। इसी फॉर्मूला पर सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एम वन कितना है, सिक्स, डी वन कितना है, बारह, डब्लू वन कितना है, वन, एम टू कितना है, एक्स माने है, डी टू कितना है, वन, डब्लू टू कितना है, वन बाई टू। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर कितना गया, एक्स बराबर, एक्स बराबर देगा आपको यहाँ पर दो से इसमें भाग कीजिए, कितना देगा, छः, छः छः छत्तीस आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, छत्तीस आएगा, मतलब कि एक्स इक्वल टू कितना, एक संख्या है आदमियों की संख्या। अब पुरुषों, छत्तीस पुरुष अब कार्य को कितना दिन में करेंगे, एक दिन में पूरा कर लेंगे, यही जगह हमारा आंसर, छत्तीस पुरुष, ठीक है, छत्तीस पुरुष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर छत्तीस में, क्वेश्चन नंबर छत्तीस, क्वेश्चन नंबर छत्तीस, क्वेश्चन नंबर छत्तीस क्या बोलता है, सब पढ़िए। छः लड़के या चार पुरुष एक कार्य को अठारह दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, छः लड़के या एक ही कार्य को दोनों करते हैं, लेकिन दोनों अठारह दिन में पूरा करते हैं, लेकिन लड़कों की संख्या क्या दिया हुआ है, छः, और पुरुषों की संख्या दिया है चार। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों इक्वल कर लेंगे, छः लड़का यानी बॉय और चार पुरुष, इतना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन से कट जाएगा, यह हो जाएगा दो से कट जाएगा, दो से काटे छः, दो से काटे चार, कितना हो गया, यहाँ पर देखिए तीन बॉय इक्वल टू टू दो पुरुष, ठीक है। अब क्या बोलता है, सो देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर छत्तीस, अब क्या बोलता है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए तीन लड़के, क्या बोलता है, तीन बॉय प्लस दस पुरुष, सबको यहाँ पर देखिए तीन पुरुष बराबर कितना है, टू पी, तीन पुरुष बराबर टू पी, क्या रख लेंगे, इसके जगह पे ये रख लेंगे, क्योंकि इतना बराबर इतना दिया हुआ, तो कितना रहेगा, टू पी प्लस दस पी बराबर कितना आ गया, बारह पी, बारह पुरुष आ गया। अब कितना गया, बारह पुरुष, ठीक है। तो बोलता है कि कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, देखिए छः पुरुष दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी चार पुरुष दिया हुआ है अट्ठारह दिन में, क्वेश्चन को पढ़िए, चार पुरुष, तो एम वन कितना मान लेंगे, चार, डी वन कितना दिन में करता है, अट्ठारह दिन में, एम टू कितना मान लेंगे, एम टू यहाँ पर बारह, अब हमको बारह पुरुष के द्वारा काम करवाना है, ठीक है, बारह पुरुष के द्वारा काम करवाना है, लेकिन हमको डी टू नहीं मालूम है, कितना दिन में करेगा वो नहीं मालूम है, वही तो मालूम करना है, एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू, एम वन कितना चार, डी वन कितना अठारह, एम टू कितना बारह, डी टू हमको नहीं मालूम है। कैलकुलेशन कर लीजिए, चार से भाग कीजिए इसमें छः बार, सॉरी तीन बार में, तीन से भाग कीजिए इसमें छः बार में, डी टू कितना गया, डी टू आ गया हमको छः, यही आ गया हमारा आंसर, समझे बात को, यही आ गया हमारा आंसर। अब आए क्वेश्चन नंबर सैंतीस, क्वेश्चन नंबर सैंतीस, देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, चार आदमी तथा छह औरत किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 औरत कितने दिन। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन हो तो इस प्रकार ऐसे सॉल्व करेंगे, चार आदमी जब हाँ चार आदमी प्लस छह औरत ओमेन WOMEN होता ओमेन, ये कितना दिन में करता 8 दिन में, 8 से गुना कर लिया बराबर। अब आगे दिया 3 आदमी, 3 आदमी प्लस 7 औरत कितना आदमी करता 10 दिन में, इसको काट लीजिए कितना है 4, इसको काट लीजिए 5, 2 से काट लीजिए दोनों को। अब गुना कर लीजिए, 4 चौका 16 A प्लस 6 चौका 24 W, इसको भी गुना कीजिए, 15 A प्लस 7 5 35 W, ठीक है। अब सब एक एक जाति को औरत को एक तरफ और आदमी को एक तरफ, आदमी कितना रहेगा 16 A, इसको इधर लाएंगे रहेगा 15 माइनस में लेगा A बराबर, इधर बचा 35 W माइनस, इसको इधर इधर लाएंगे माइनस में जाएगा 24 W, ठीक है। अब यहाँ पर कितना जाएगा एक आदमी बराबर यहाँ पर कितना देगा 11 औरत, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोलता है देखिए, ठीक है, अब क्या बोलता है 20 औरत मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कार्य करेगा, ठीक है, 20 औरत मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेगा, क्वेश्चन नंबर 37। अब क्या करना है सो देखिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। पहले मान लीजिए कि पहला इक्वेशन ले लेते हैं, 4 औरत प्लस 6 W, 6 W कितना दिन में कार्य को पूरा करता है 8 दिन में, तो 8 लिख लिए, सॉरी दिखना था, ठीक है 8 लिख लिए। अब यहाँ पे एक आदमी रहा कितना दिया 11, 4 × 11 W प्लस 6 W बराबर 8, कितना 11 × 4 = 44, 44 और 6 कितना हो जाएगा 44 × 6 हो जाएगा 50, कितना है 50 W बराबर हो गया हमको अब 8, 50 W बराबर हो गया 8, तो 1 W बराबर कितना हो जाएगा, जैसे 50 औरत 8 दिन में कार्य करती है, तो 1 औरत कितना दिन में कार्य करेगी, गुना कर देंगे 50 × 8 कितना हो जाएगा 50 × 8, 50 × 8 कितना होगा 400, कितना गया 400 आ गया। अब हमको जोड़ कितना है 20 औरत का निकलना है, तो एक का निकल गया 400 दिन में करती है, कितना एक औरत 400 दिन में करती है, यहाँ देखिए बात को समझिए, 50 औरत करती है 8 दिन में, तो एक औरत कितना दिन में करेगी, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कितना तो 50 गुना टाइम लग जाएगा, तो एक औरत का 8 × 50, 50 × 8 400 दिन, यहाँ पर चाहिए हमको कितना 20 औरत का चाहिए, 20 औरत का क्या करेंगे, एक औरत करती है अब 400 दिन में, तो 20 औरत कितना दिन करेगी 400 / 20 कितना जाएगा 20 दिन, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर और कुछ नहीं। अब आए क्वेश्चन नंबर 38, सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 38 आइए, अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है सो देखिए, 6 आदमी तथा 8 लड़के 10 दिन में, 26 आदमी तथा 48 लड़के 2 दिन में, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन है जैसे पहले बताया, 6 आदमी तथा 8 लड़के कितना दिन में करता 10 दिन में बराबर, 26 आदमी प्लस 48 लड़का कितना दिन में 2 दिन में, 2 से काट लीजिए इसको 5 हो जाएगा, गुना कर लीजिए कितना होगा 6 × 5 = 30, 30 आदमी प्लस 8 × 5 = 40, यहाँ पर कितना होगा 26 आदमी प्लस यहाँ पर 1 बचा ना इसलिए 48 बुआ,
एक तरफ कर लेंगे आदमी को और लड़का को एक तरफ, कि यहाँ पर कितना होगा 23 माइनस 26 कितना होगा, 4 आदमी बराबर, 40 यहाँ है 48 यहाँ, कितना होगा 8 लड़का। काट लीजिए इसको दो बार में, एक आदमी बराबर 2 लड़का। ठीक है, बात को समझे। अब आगे क्या बोलता है सो देखिए, अब आगे क्या बोलता है सो देखिए क्वेश्चन को। आगे बोलता है 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तब करेंगे क्या, हमको क्या देगा, पहला इक्वेशन देखिए, पहला लाइन 6 आदमी प्लस 8 लड़का कितना दिन में करता है, 10 दिन में। यहाँ पर एक जगह पर कितना रख देंगे, 2b, 6 गुना 2b प्लस 8b बराबर 10। बात को समझे, एक जगह पर कितना है 2b, तो एक जगह पर 2b रख लिए, 6 दुना 12, 12 8 कितना हो गया 20, 20 लड़का कितना दिन में करता है, 10 दिन में, 20 लड़का अब करता है 10 दिन में। ठीक है, तो एक लड़का कितना गुना कर देंगे इसको, इसको गुना कर देंगे, पहले 20 लड़का 10 दिन में करता था, अब एक ही लड़का कितना दिन में करेगा, एक लड़का ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यानी कि 20 गुना 10 कितना जाएगा, 200 दिन, कितना जाएगा 200 दिन में करेगा, एक लड़का अब 200 दिन में करेगा। ठीक है, यह हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखिए हमको चाहिए क्या, यहाँ पे 15 आदमी तथा एक लड़के को, एक लड़के कितने दिन में, अब इसको निकाल लीजिए, 15 आदमी ठीक है, 15 आदमी प्लस 20 लड़के कितना दिन में करेगा, तो 15 के जगह पर कितना रखेंगे, 15 15, और एक के जगह पर कितना रखना है हमको, एक के जगह पर रखना 2b, 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे लड़का कर दिया हुआ एक लड़का का, तो लड़का के सबको लड़का के रूप में चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 15 गुना 2b, एक के जगह पर 2b प्लस 20b पहले से है, तो 15 दुना 23, और 20 कितना हो गया अब 50b। अब हमको 50 बी का निकालना है, एक लड़का का यहाँ पे दिया हुआ है 200 दिन, तो 50 लड़का कितना दिन में करेगा, 50 लड़का, 50 लड़का आप कितना दिन में करेगा, तो भागा कर देंगे 200 बटे 50, कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो 50 लड़का आप कितना दिन में कार्य किया, 4 दिन में, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर, और कुछ नहीं करना है, समझे बात को, यही हो गया हमारा आंसर और कुछ नहीं। यदि आपको मेथड और तरीका जब मालूम हो रहा है, तो एग्जाम में एकदम शॉर्टकट मेथड से इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एकदम शॉर्टकट मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब एक क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर है अब 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में, उस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, 8 पुरुष 20 दिन में। ठीक है, तो 5 पुरुष का निकाल लेंगे इसके द्वारा, 8 पुरुष कितना दिन में कार्य करता है, 20 दिन में, तो एक पुरुष के कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, हो जाएगा 160 दिन, कितना जाएगा 160 दिन, 8 पुरुष 20 दिन में, तो एक पुरुष कितना दिन में, 160 दिन में, 20 गुना 8। अब यहाँ जरूरत कितना है, 5 पुरुष का, 5 पुरुष का निकाल देंगे, तो कितना 160 बटे 5। अब पहले क्या था, 8 पुरुष 20 दिन में, तो एक पुरुष 160 दिन में, तो 5 पुरुष कितना दिन में, 160 बटे 5 दिन में। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए आ जाएगा हमको 160 बटे 5, आ जाएगा यहाँ पर 32 दिन, 5 पुरुष 32 दिन में करते हैं। अब आते हैं महिला की, 8 महिला का निकालना है, यहाँ पर दिया 8 महिला, 8 महिला का, 8 महिला कितना दिन में करती है, 32 दिन में, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से कि 8 महिला 32 दिन में कार्य करते हैं। हमको करना है पहले वाला मेथड जो बतलाए, सो इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम 32 और 32 का 32 जाएगा, यहाँ पर 32 भाग कीजिए 1 में 32 में 1 आएगा, दोनों को जोड़ लीजिए 1 1 2, 2 से भाग कर दीजिए कितना जाएगा 16, तो आंसर हमको कितना देगा 16, यही लगा हमारा आंसर।
16 और कुछ नहीं, बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 40, यदि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। यदि आप पहला वीडियो देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका सारा क्वेश्चन बिना बताए आपको बन जाएगा, बिना बताए आपको बन जाएगा, क्योंकि पहला वीडियो में मैंने ऐसा ही बताया है, तरीका मस्त तरीका से एकदम पूरी तरह से समझा करके बताया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है। 18 पुरुष 24 दिन में, 54 महिला 12 दिन में, 16 बच्चे 54 दिन में करते हैं, तो 3 पुरुष 9 महिला 6 बच्चे। तो क्या करेंगे हम, 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चों का निकाल लेंगे पहले। तो 3 पुरुष डायरेक्ट हम निकालते हैं, आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं 3 पुरुष का, 3 पुरुष का कैसे निकलेगा। 18 पुरुष करता है कितना, 24 दिन में, तो क्या जाएगा 18 पुरुष कितना, 24 दिन में। देखिए जब 18 पुरुष करता है 24 दिन में तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा, 18 गुना 24 दिन में। अब 3 पुरुष ये हो गया कितना, ये आ गया एक पुरुष का, तो 3 पुरुष का, 3 पुरुष का भाग कर देंगे 3 से, बात को समझे, तो कितना आ गया हमको 144, कितना जाएगा 144, 3 से भाग करेंगे 24 में, 8 बार में यहाँ कर देगा, 3 से 8 बार में, 18 8 144। ठीक, अब आते हैं 9 महिला के, ठीक है 9 महिला, ठीक 9 महिला के, तो यहाँ पर दिया हुआ 54 महिला, क्या दिया हुआ 54 महिला 12 दिन में, ठीक एक महिला कितना दिन में करेगी, एक महिला करेगी 54 गुने 12। अब यहाँ पर 9 महिला का निकालना है, यह कितना एक महिला का, तो 9 से भाग कर देंगे, यहाँ से कर देंगे 9 6 54 गुना करेंगे कितना जाएगा 12 6 72, 72 दिन में। अब आते हैं बच्चों के, ठीक तो बच्चे कितना चाहिए, 6 बच्चों को चाहिए, 6 बच्चों का कार्य कितना करेगा, ठीक है सो यहाँ पर दिया 16 बच्चे 54 दिन में, तो एक बच्चा कितना जाएगा, एक बच्चा 16 गुना 54, 6 बच्चे का चाहिए कितना बटा 6 9 6 54 कितना 16 9 144। अब क्या करना है, अब तो आपको बन ही गया होगा, मन में बन गया होगा, तीनों कैल्शियम कितना 144, 1 2 1 कैसे भाग कर देना है, 144 में 1 टाइम्स में, 72 से 144 में 2 टाइम्स में, 144 से 144 में 1, इन तीनों को जोड़ दीजिए, अब इन तीनों को जोड़, 1 2 3 हो गया, 3 1 4 कितना गया 4, हमको आंसर क्या गया, हमको आंसर आ गया, अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ गया 36, कितना गया 36, यही हो गया हमारा आंसर 36 दिन में, तीनों मिलकर 36 दिन में। कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आइए, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या बोलता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में, ए और बी टी दिन में, ठीक है यदि ए अकेला टी प्लस 3 दिन में और बी अकेला टी प्लस 12 दिन में। ठीक है, देखिए पहला मेथड, देखिए ए कितना करता है टी प्लस 3 दिन, बी कितना दिन में करता है टी प्लस 12 दिन, क्या बोले थे, दोनों मिलकर के टी दिन में करता है, दोनों का मिलकर के काम दिया है, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे दोनों का कितना होगा टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 12 एलसीएम, अब इससे भाग करेंगे इसमें कितना बचेगा टी प्लस 12 बचेगा, यहाँ पर यहाँ कितना बचेगा टी प्लस 3, इससे भाग करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा, टी प्लस 3 बचेगा। अब क्या हम बोले थे इन सबको जोड़ देने के लिए, क्योंकि क्या बोल रहा है दोनों को, दोनों मिल करके टी दिन में, दोनों को मिल करके इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़िए टी प्लस टी कितना जाएगा 2t प्लस 12 प्लस 3 कितना जाएगा 15 बराबर, पहले से दिया हुआ है कितना टी, दोनों मिल करके टी दिन में कार्य करता है। अब गुना कर लीजिए तिरछा तिरछी, इसको भी गुना कर लीजिए, इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना
टी स्क्वायर, टी से टी में टी स्क्वायर, इसको जब गुणा कीजिएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे शॉर्टकट करते हैं, 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 टी प्लस 12 तिया 36, शॉर्टकट कीजिए, ठीक है। यदि आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो, यदि ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 16 आ गया, 36 आ गया, अब इससे इसमें गुणा कीजिए कितना जाएगा, 2 टी स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे इसमें, प्लस 15 टी, 15 से टी इसमें, 15 टी 15 टी दोनों प्लस में है, बराबर बीच में है, तो दोनों खत्म हो गया, जीरो हो गया मिल करके, ठीक है। अब इसको एक तरफ लाइए टी स्क्वायर को, तो कितना बचेगा, इधर है 2 टी स्क्वायर, इधर है टी स्क्वायर, तो एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, टी स्क्वायर बराबर, ये कितना बचा 36, यहाँ से टी बराबर कितना गया, टी बराबर आ गया हमको 6, यही हो गया आंसर। वही पूछ रहा था टी का मान कितना होगा और कुछ नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए इसको अब यहाँ बोलता है ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे सी का इस क्वेश्चन ऐसा प्रकार हो, ऐसा प्रकार हो क्वेश्चन का, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को उल्टा पढ़ करके सोल्व करते हैं। पहले क्या दिया, उल्टा पढ़ने का मतलब ऐसे, देखिए सी का हमको दिया कितना, सी सी का दिया 7 दिन, सी का दिया 7 दिन। इसके बाद क्या है बी का, बोलता क्या सो देखिए, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, क्या आधा, जो बी कार्य करता है उसका आधा है कौन, सी, यहाँ पर बी का कितना जाएगा, बी का जाएगा ये आधा है, ये कितना जाएगा बी का 14 दिन, कितना जाएगा 14 दिन। अब आगे क्या बोलता है, अब स्टार्टिंग पढ़िए, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का क्या है आधा, तो ए का कितना जाएगा, ए का बी से कितना हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, कितना जाएगा 14 दुना 28 दिन, आ गया समझ में आया। अब देखिए क्या बोलता है, तीनों मिल करके, तीनों का तो काम आ गया कितना दिन में पूरा करता, अब तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा सो निकालना है, तीनों का एल्शियम ले लीजिए, तीनों का एल्शियम कितना जाएगा एल्शियम 28, 7 से भाग कीजिए 4, 14 से भाग कीजिए 2, 28 से भाग कीजिए 1, भाग कर दीजिए, यहाँ कितना जाएगा 4 2 6, 6 1 7, कितना बार में कटा 4 बार में, यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 आइए, अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 43, ए बी सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में उन्होंने एक साथ कार्य मिलकर आरंभ किया, ठीक है, 5 दिन कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व, समाप्त होने के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया और एक छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ा चला गया, जब एक कार्य छोड़ा तो 2 दिन बाद बी छोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ए का कितना है 10, ए कहा 10, बी कहा 12, सी कहा 15, तीनों मिलकर कार्य आरम्भ किए, तीनों का एल्शियम ले लीजिए, कितना आ जाएगा एल्शियम 60, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ पर 4। अब देखिए फिगर से समझिए, अब लास्ट लाइन पढ़िए, ठीक है, कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया, 5 दिन पूर्व ए जाता है कितना 5 दिन पूर्व, ए का काम कितना है 6 भाग, तो 6 से गुना कर दिए, कितना गया 6 पचे 23, कितना गया 6 पचे 23। अब बी का देखिए, बी का कैसे निकलेगा, बी बोलता है कि जब ए कार्य छोड़ा 5 दिन पहले तो एक छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, तो बी कितना किया 3 किया, कितना 3 भाग, तो कितना हो गया, अब देखिए बी का कितना 5 आ गया हमको 15, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 45, कितना, तो इसमें 45 जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना आया टोटल 45, तो 45 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ गया 5, 6 4 10 105। अब तीनों का जोड़ लीजिए कितना आएगा 6 5 9, सॉरी 6 5 11, 11 4 15, 15 से भाग कर लीजिए, इसमें 15 से भाग कर लीजिए, कितना जाएगा यहाँ पे देखिए कितना जाएगा, तो 15 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो कितना जाएगा 15 सत्य, कितना होता है 15 सत्य 105, यही हो गया हमारा आंसर।
मतलब कार्य पूरा करने में कितना टाइम लग गया? 7 दिन। कितना? 7 दिन। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है सो देखिए। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा करें। उन्होंने एक साथ कार्य मिलकर आरंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। कुछ कार्य कितने दिन में, सॉरी कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? देखिए, ए और बी का दिया हुआ, ए का दिया हुआ कितना? 9 दिन। बी का दिया हुआ कितना? 18 दिन। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किए, दोनों एलसीएम ले लीजिए, 18 2 1। अब क्या बोलता है सो देखिए। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, कार्य आरंभ होने से 3 दिन, सॉरी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कौन छोड़कर चला गया? ए छोड़कर चला गया। ए 3 दिन पहले कितना है? 2 है, गुना कर लीजिए, सॉरी 2 से यहाँ गुना कर लीजिए, कितना जगह कितना है? यहाँ देखिए, ए का कितना है? ए 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, 3 दिन पहले। ए कितना भाग करता है? 2 भाग, 2 से गुना कर लीजिए, कितना गया? 6, 6 इसमें जोड़ लीजिए, कितना गया? 24। कितना गया? 24। अब दोनों कार्य पूरा, देखिए कार्य पूरा करता है कौन? दोनों, तो कितना जगह? 2 और 1 3, 3 से भाग कीजिए, कितना जगह हमको? 8 दिन। यही जगह हमारा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए ने अकेले 4 दिन का किया, बी ने 5 दिन किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में किया। सी ने शेष काम को 8 दिन में, तो ए करता है कितना दिन में? ए करता है 15 दिन में, सॉरी 10 दिन में, ए करता है 10 दिन में। ठीक है, तो 1 दिन का कार्य निकाल देंगे हम, 1 दिन का, ए के द्वारा 1 दिन का, 1 दिन का, 1 दिन का कितना है? 1/10 भाग, 1/10 भाग। लेकिन काम कितना दिन कर रहा है? 4 दिन, तो 4 दिन का हम निकाल देंगे, हम 4 दिन का निकाल देंगे, तो 4 दिन का कितना होगा? 4/10 भाग, ए का हो गया 4 दिन का। ठीक, 4/10 भाग करेगा 4 दिन में। अब निकालते हैं बी का, बी करता है 1 दिन में, बी करता है कितना दिन में? 15 दिन में, बी करता है 15 दिन, तो बी के द्वारा 1 दिन का कार्य कितना होगा? 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कितना होगा? 1 दिन का होगा 1/15 भाग, 1/15 भाग। लेकिन करता है कितना दिन? 5 दिन, तो 5 दिन का हम निकाल लेंगे, 5 दिन का कितना जाएगा? 5/15 बराबर 1/3 भाग। अब क्या बोलता है सो देखिए। दोनों ने मिलकर शेष कार्य को, शेष कार्य सी ने किया 8 दिन में, तो शेष कार्य कब निकलेगा? जब 4 दिन का, ए के 4 दिन का और बी के 5 दिन का दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी का, कितना दिन का? 4 दिन का, ए का और 5 दिन का बी का जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? 4/10 + 1/3, कितना जोड़ेंगे? तो 11/15 दिन, 11/15 भाग, 11/15 भाग। इन दोनों ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर काम कर लिया, कितना दिन में? ए के द्वारा 4 दिन और बी के द्वारा 5 दिन। शेष कार्य करता है 8 दिन में, शेष कार्य सी किया कितना दिन में? 8 दिन में, सी का 8 दिन का। ठीक है, शेष कार्य सी किया 8 दिन में, कितना? तो पहले पूरा था 1 भाग, अब इन दोनों ने कर लिया, ए प्लस बी ने किया कितना? 11/15 भाग, 11/15 कितना गया? यहाँ पर आ गया 4/15, 4/15 भाग, 4/15 भाग किया कितना? 8 दिन में, 4/15 भाग किया 8 दिन में, तो 1 दिन का निकाल देंगे हम, 1 दिन का कितना जाएगा? 1 दिन का जाएगा हमको यहाँ पर कितना? 1/30 भाग, कैलकुलेशन कीजिए, 1/30 भाग आ जाएगा, कितना क्या? 1/30 भाग। ठीक है, अब लिखिए 1/30, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा ये? पूरा काम कितना दिन में किया? 30 दिन में किया, कितना दिन में किया?
30 दिन में किया पूरा काम को, ठीक है। अब देखिए, एक काम को मालूम है 10 दिन, बी का मालूम है 15 दिन, सी का मालूम हो गया 30 दिन, सी का मालूम हो गया 30 दिन, दोनों को एलसीएम ले लीजिए, तीनों का कितना आ गया 30, 3 2 1, 3 2 5 1 6, कितना आ गया 5, यही हो गया हमारा आंसर 5 दिन, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों रही है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है बताने के लिए, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक बोर्ड होता तो बताने में मजा आता और सही तरीका से बतलाते, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, इसलिए कॉपी में बता रहे हैं, पेज पे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में, तो 14 पुरुष एक काम इस काम को 12 दिन में, तो 4 महिला इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, 47 क्या बोलता है, 6 पुरुष 6 पुरुष प्लस 4 महिला कितना दिन में कार्य पूरा करता है, 12 दिन में 12। अब बोलता है 14 पुरुष कितना दिन में, तो 12 दिन में, 14 पुरुष 12 दिन में, 12 से 12 क्या होगा कट गया, यहाँ पर क्या होगा 6P + 14M = 14P, एक तरफ लाइए तो कितना जाएगा, यहाँ पर देखिए M बराबर कैलकुलेशन कीजिएगा, M बराबर जाएगा 2P, M बराबर जाएगा 2P, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया वर्षो, देखिए 14P कितना दिन में करता है, 12 दिन में, 14 पुरुष कितना दिन में, 12 दिन में कार्य पूरा करता है, ठीक है। तो M बराबर कितना दिन में, 2P, तो मतलब क्या है, M क्या आधा है किसका, P का, यहाँ पर 14P है तो कितना M हो जाएगा, 7M हो जाएगा। अब करा 7M कितना दिन में, 12 दिन में, 7M 12 दिन में करता है, ठीक है। अब यहाँ पूछ कह रहा है 4 महिला, तो एक महिला का कितना दिन हो जाएगा, एक महिला का 12 गुना 7, ठीक है। बढ़ सकते कितना होता है, इसको रहने दीजिए, गुना नहीं कीजिए अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना चाहिए, 4 महिला का चाहिए जरूरत है हमको, तो 12 गुना 7 / 4, 4 से भाग कर दीजिए 3 में, कितना आ गया 70 21 दिन, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया आंसर हमारा, और कुछ नहीं 21 दिन, ठीक है। यार पेज पे बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, वीडियो क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल अभी नया नया है इसलिए थोड़ा सब्सक्राइबर कम है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है, 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिला 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिला कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए 3 पुरुष का देवा 6 दिन में, ठीक है, 2 पुरुष की जरूरत है, 2 पुरुष का हम निकाल देंगे, कितना जाएगा 6 × 3/2, डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए, एग्जाम में आपको जो मेथड आपको तरीका होना तो इसी प्रकार सब सॉल्व कीजिएगा हम शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो कितना जाएगा 9 दिन में, 3 2 पुरुष 9 दिन में करेंगे। अब बोलता है कि 12 महिला बोल रहा है, ठीक है, तो 12 महिला के निकालेंगे, यहाँ पर दिया है ऊपर में 6 महिला 18 दिन में, 6 महिला 18 दिन में, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 12 महिला कितना होगा 18 × 6/12, 2 से काट लीजिए 9, कितना होगा 9 दिन में, ठीक है। अब 2 पुरुष और 12 महिला का आ गया, क्या करते हैं दोनों का एलसीएम, कितना होगा 9, यहाँ कितना होगा 9 से भाग 9 में 1, दोनों को जोड़ देंगे 1 1 2, कितना होगा 4 पूर्णांक 1/2 आ जाएगा, 4 पूर्णांक 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 4 पूर्णांक, यदि आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए,
ठीक है, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत डिफिकल्ट हुआ, तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखिए बहुत ही मज़ेदार है, उसमें बताने का तरीका ही कुछ और है। ठीक है, तो पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखिएगा, इसके बाद तीसरा वीडियो देखिएगा, तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब आता है बात शेयर करने की, तो वीडियो को अब शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।